हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमने प्रीवियस सेशन में जब फिजिक्स का सेशन लगा था तो हमने ये चैप्टर फिनिश किया था, तो जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे एज पर द करिकुलम वो हम लोगों ने फिनिश किए थे। तो आज हमारे पास न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, यानी हम लोग आज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। टोटल मेरे पास यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेरे पास जो न्यूमेरिकल है उसमें मुझे एक ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे पास है यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, दिस इज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और -2 एंड -4, और साथ में 1 एंड 2 एंड 3, 4, 5, 6, और जो ग्राफ है उसमें 4, ये 2 और ये 4 एंड देन 2 पे 6। ओके, तो ये ग्राफ ऐसे बन रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। 4 यहाँ पर 2, ये -2, 4 ये 2 और ये 6, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हमसे पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए जो ट्रैवल किया गया है 6 सेकंड्स के अंदर। ओके, चलिए सबसे पहले अपन डिस्टेंस की बात करेंगे। एज यू नो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे जो मोशन है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो स्पीड है वो है 4 और टाइम जो है वो है 2 सेकेंड, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2। सेकेंड की बात करूं तो जो मेरे पास वेलोसिटी है वो है 2 और जो टाइम है 4 टोटल है और इसमें 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। हम लोगों को याद रखना है कि जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, जब मैं स्पीड की बात करता हूँ, तो हमें नेगेटिव का कोई वहाँ पर रोल नहीं लेना होता। नेगेटिव का रोल डायरेक्शन के लिए है और वो हमें वेक्टर क्वांटिटी में जरूरत होती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे। तीसरे पार्ट में जो वेलोसिटी है वो 2 है स्पीड, और जो टाइम है अगेन 4 से 5, 5 से 6, यानी कि 2 सेकेंड है। तो ये आपके पास आ गया 8 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि टोटल आ गया ये मेरे पास 16 मीटर। यस, तो 16 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस कवर किया है दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज 16 मीटर। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ होता है तो जो एरिया कवर किया जाता है उस ग्राफ के अंडर वो हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आप 2 कह सकते हो और विड्थ 4 है, जिसकी लेंथ 2 है और विड्थ अगेन 2 है, जिसकी लेंथ 2 है और विड्थ भी 2 है। तो आप ऐसे भी अगर कैलकुलेट करोगे तो सेम क्वांटिटी ही आपको मिलेगी। ओके, अब आगे पूछा हुआ है हमने डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में मुझे साइन का ध्यान रखना है और मैं स्पीड को किससे रिप्लेस कर दूंगा, स्पीड को रिप्लेस कर दूंगा वेलोसिटी से, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो पहले केस में तो वेलोसिटी और टाइम दोनों ही, टाइम तो खैर होता ही पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो अगेन सेम चीज़ आएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 2। लेकिन अब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें वेलोसिटी आपका नेगेटिव शो कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट जिसमें वेलोसिटी है और वेलोसिटी में साइन पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग डायरेक्शन को बयान करते हैं। अगेन ये पॉजिटिव रीजन में चला गया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2,
सो वी आर गेटिंग 8 माइनस 4 प्लस 4 यानी कि 8 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो डिस्टेंस जो है वो 16 आया है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 8 आई है। वाई, क्योंकि जो आपका बॉडी थी वो कुछ डिस्टेंस पहले वो आगे गई, फिर उसने पीछे कवर किया और फिर आगे जा रही है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या चीज़ है हमारे पास, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा पाथ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसीलिए ये वाली क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी और 8 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके, इसको आप इरेज करते हैं और अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हो 0 से लेकर 8 सेकेंड तक आपकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है अप टू 20। रेस्ट से शुरू हुआ है आपका मोशन और 20 तक गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए वेलोसिटी कम हुई है, 10 पे आ गई है। 10 से लेकर 14 तक वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो गई है यूनिफॉर्म, और फिर 14 से 18 अगेन कम होती जा रही है और 18 सेकंड पर वो रेस्ट पे यानी कि वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो मुझे पहले डिस्टेंस पूछा है 0 से लेकर 18 सेकंड्स के बीच में यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का डिस्टेंस पूछा है। तो हम लोग यहाँ पर वही कंसेप्ट लगाएंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें स्पीड या सॉरी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि सब पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब है जो बॉडी है वो हमारी आगे ही आगे मूव कर रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दोनों सेम होंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हम लोगों ने इस रीजन को यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, जैसे कि ओ ए इसको पॉइंट को आप डी लेट कर लो, बी सी यहाँ पे ई लेट कर लेते हैं, इसको एफ लेट कर लेते हैं, उसको जी लेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारा फोकस है, हमें डिस्टेंस निकालना है 0 से लेकर 18 तक के बीच का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। ओ ए डी आपके पास ये ओ ए डी ये वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया निकलेगा। उसके बाद ए डी ई बी एरिया ऑफ ए डी ई बी, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है दिस इज अ ट्रेपीजियम, जो ए डी है वो बी ई के पैरेलल है और जो डी ई है वो परपेंडिकुलर का काम कर रही है, एक्चुअली एल्टीट्यूड का काम कर रही है, प्लस एरिया बी सी एफ ई। बी सी एफ ई ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, बी सी एफ ई ये एरिया, और लास्ट में सी एफ जी अगेन दिस इज अ ट्राइंगल। तो यानी कि हमारे पास टोटल 4 पोर्शंस बन गए, इन सब का एरिया कैलकुलेट करके प्लस कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 0 से लेकर 18 सेकंड के बीच का। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले ट्राइंगल का एरिया करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड, जो बेस है वो 0 से लेकर 8 तक का है, तो बेस हो गया है 8, और जो एल्टीट्यूड है वो है 20, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग गया। उसके बाद ट्रेपीजियम का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ए डी यानी कि 20 और बी ई यानी कि 10, ये हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, इंटू एल्टीट्यूड, तो डी ई एल्टीट्यूड है, 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड प्लस। उसके बाद है एरिया बी सी एफ ई का, तो एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ ये कितनी है आपके पास 4 है, 4, और जो विड्थ है वो है हमारे पास इतना, दैट इज 10, तो एल इंटू बी लगा दिया। After that again triangle half into base into height 1/2, जो बेस है वो अगेन यहाँ पर 18 में से 14 माइनस करेंगे 4, और जो एल्टीट्यूड है वो है हमारा 10 है, सी एफ इज एन एल्टीट्यूड। तो हमने ऑल 4 एरियाज फाइंड कर लिए हैं, अब इनकी कैलकुलेशन करके हम लोग आंसर निकालते हैं।
ये 4 पे कट जाएगा, 20 इंटू 4 80 आ गया, प्लस ये आप 2 से 2 कट कर दो, 20 प्लस 10 30 आ गया, प्लस 4 इंटू 10 40, और ये 2 पे कट दो 20, सो वी आर गेटिंग 20 प्लस 40 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 80 170। तो यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है ओ से लेकर जी तक का, दैट इज 170 मीटर, और ये हमने फाइंड आउट करना था फर्स्ट पार्ट में। हमने क्या किया, टोटल जो भी अपने पास एरिया था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ट्राइंगल, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, और इंडिविजुअल हर एरिया फाइंड करके उनको प्लस कर दिया। ओके, सेकंड में हमसे पूछा है 2 से लेकर 12 तक हमें पता करना है डिस्टेंस। ओके, तो पहले आप इसको इरेज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट के लिए हम लोग प्रोसीड कर सकें। ओ, एक पार्ट और भी था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वो इसी में करना है कंपाइन। चलिए, तो पहले मुझे 2 से लेकर 12 तक एरिया मार्क कर लेना है। 2 किधर है मेरे पास, 2 यहाँ पे है, 5 पे है 2, तो 2 से लेकर 12 यानी कि ये, और इसको मैं H, इस पॉइंट को मैं H नाम दे देता हूँ, ये हमारा B पॉइंट है ये वाला, और ये H होता है। तो 2 से लेकर 12, 2 से लेकर 12, तो इतना हम लोगों को अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। चलिए इसको भी डिवाइड करेंगे हम लोग, तो डिस्टेंस लिखेंगे। सबसे पहले एरिया देखिए क्या है, यहाँ पर ए बी सी, इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं जी एच, इसको एक्स दे दो, इसको वाई नाम दे दो, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो पहला जो एरिया है वो क्या होगा, वाई एक्स ए डी, तो यानी कि ये एक ट्रेपीजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अभी ओरिजिन से नहीं पूछा उन्होंने, 2 सेकंड से पूछा हुआ है, तो 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो 5 है, तो इसका मतलब है वाई एक्स ए डी, तो ये हो गया ट्रेपीजियम का एरिया। उसके बाद ए बी ई डी, ये भी ट्रेपीजियम है, या फिर हम लोग ये एक ट्रेपीजियम भी कैलकुलेट कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, ए नहीं, ट्रेपीजियम तो कैसे होती है, 1 2 3 4 नहीं नहीं ठीक है ठीक है, सही जा रहा है, ए बी ई डी। तो पहले हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का फाइंड कर लिया, फिर ये वाला कर लिया, अब ये वाला कर लो, दिस इज अ रेक्टेंगल बी एच, इसका नाम दे दो जेड, दे दो जेड ई, बी एच जेड ई। तो पहले हमने वाई एक्स ए डी ये वाला ट्रेपीजियम, फिर ए बी ई डी ये वाला ट्रेपीजियम, और फिर बी एच जेड ई ये वाला रेक्टेंगल, तो इन 3 एरियाज को हम लोग कैलकुलेट करके प्लस कर देंगे। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये है 5 आपके पास, और एक है ए से लेकर डी यानी कि 20, इंटू हाइट एल्टीट्यूड, 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का एरिया। सेकंड हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, लेकिन चलिए हमें वो याद तो है नहीं अब, तो पैरेलल साइड 20 प्लस 10, और जो टाइम इंटरवल है वो 10 माइनस 8 करेंगे 2 सेकंड आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट इज बी एच जेड ई जो एक रेक्टेंगल है, एल इंटू बी, तो 10 इंटू 2, क्योंकि मुझे सिर्फ 12 तक ही यहाँ पर मार्क करना है। लो जी, तो हमने ये सारा मतलब वैल्यूज लिख ली, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कट गया 3 पर, 20 प्लस 5 25, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 20 प्लस 10 30, 10 इंटू 2 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास 125 मीटर। यस सही है, तो यानी कि 2 से लेकर 12 तक जो टाइम है
10 सेकंड्स का जो टोटल टाइम है उसमें जो डिस्टेंस कवर रहेगा वो 125 मीटर का रहेगा। ओके, अब इन्होंने हमसे पूछा है इसी पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल में जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू बताइए कि क्या होगी। ओके, अब एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर अगर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो जो उसका स्लोप है वो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। चलिए इसको अपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वैल्यू बदलती जा रही है, तो हमें भी उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर चलना है। सबसे पहले देखिए 2 से लेकर 8 तक की बात करेंगे, एक्सेलरेशन A1 कितने टाइम के बीच में, 2 से लेकर 8 तक, हमने 2 से लेकर 12 तक के बीच में फाइंड करना है कि मैक्सिमम कब होगा। तो जो पहला मोशन है जिसमें यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, या फिर यू कैन से जिसमें हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो 2 से लेकर 8 तक है। तो V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, तो वेलोसिटी 2 20, वेलोसिटी 1 5 और टाइम कितना है 6 है, तो यानी कि आई एम गेटिंग 15/6। तो ये 3 पे कट कर दो, 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 से लेकर 8 तक जो एक्सेलरेशन है वो मेरा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। ये हो गया फर्स्ट। अब बात करेंगे सेकंड वन, सेकंड में क्या है, यहाँ पर आपका 8 से लेकर 10 के बीच में है, 8 to 10, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ एक्सेलरेशन 2। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, v2 माइनस v1 अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, 10, हम लोग यहाँ पे 8 से 10 के बीच में देख रहे हैं, तो 10 पर वेलोसिटी भी 10 है और 8 पे है 20, तो 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है इसमें, 2 सेकेंड है, तो यानी कि माइनस 10/2 माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन से कि ब्रेक्स अप्लाई की गई है तो वेलोसिटी कम हो रही है, न्यूमेरिकली आपको ये लगेगा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली कि इससे कम है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज लास्ट वन, 10 से लेकर 12 तक, इसको एक्सेलरेशन 3 नाम देंगे। तो 10 से 12 आप देखोगे कि एक लाइन है जो पैरेलल टू टाइम एक्सिस जा रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई। तो 12 पर भी 10 है और 10 पर भी 10 है, तो वैसे तो ये डायरेक्टली होता है कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन फिर भी चलिए अगर आप फॉर्मूला भी लगाएंगे तब भी वी विल गेट 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे टाइम इंटरवल कितना है, 10 से 12 2 सेकेंड का। सो यू कैन क्लियरली सी कि मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहाँ पर मिली है, 8 से लेकर 10 सेकंड्स के बीच में बनी है। मैं सिंपली आपको फिर बता रहा हूँ, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन से रिलेशन है, हमें मैग्नीट्यूड वाइज देखना होता है कि किसकी वैल्यू बड़ी है। तो 8 से लेकर 10 सेकंड्स के बीच में एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी डन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार रेस्ट से एक्सेलरेट हो रही है एट कांस्टेंट रेट कैपिटल ए फॉर सम टाइम, जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कैपिटल ए है, और उसके बाद इट रिटार्ड्स, इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है, वो भी कांस्टेंट रेट बी पर, तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू बी है, टू कम टू रेस्ट, और फिर वो रेस्ट पे आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक ग्राफिकल मोशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास टाइम है सेकंड्स में, और इसको हम लोग वेलोसिटी मान लेते हैं मीटर पर सेकंड। तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ यानी कि जीरो से स्टार्ट हुआ, और कांस्टेंट रेट ए से इंक्रीज होता गया कुछ टाइम के लिए, सपोज कर लो लाइक दिस, यहां तक
दिस इज वेलोसिटी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, एम ए एक्स लिख लेते हैं, एम ए एक्स मैक्सिमम। रेस्ट से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम तक गया, यूनिफॉर्म है तो मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, वो कितनी है, कैपिटल ए है। उसके बाद रिटार्डेशन हो रहा है कांस्टेंट रेट बी पर और रेस्ट पे आ गया, तो यानी कि सपोज कर लो यहाँ से वो रिटार्डेशन शुरू हो गया और फाइनली वो रेस्ट पर आ गया, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो गई। अब टोटल टाइम टी है, तो यानी कि यहाँ पे जो टाइम है वो मैं लिख दूंगा कैपिटल टी, और साथ में हमें टोटल टाइम टी दे दिया। इवेल्युएट द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो एक तो वेलोसिटी मैक्सिमम पता करनी है एंड टोटल डिस्टेंस, और ये टोटल डिस्टेंस पता करना है और हमारे आंसर में ए बी और कैपिटल टी आना चाहिए। चलिए थोड़ा सा इसको याद भी करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, तो आई जस्ट होप कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे तो है ही, लेकिन एक दो जो बातें याद करने वाली हैं वो भी आप याद करोगे। सबसे पहले तो हमारा जो ये मोशन है वो हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट जिसमें हमारी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती जा रही है कांस्टेंट रेट पर, और एक जिसमें लगातार डिक्रीज होती जा रही है, और यहाँ से अपन टाइम ले लेते हैं लेट मी से स्मॉल टी। तो जीरो से लेकर टी, टी वन टी लिख दो उसको, ये हो गया जीरो से लेकर टी का टाइम इंटरवल, और ये वाला हो जाएगा फिर आपका कैपिटल टी माइनस टी हो जाएगा। ये टोटल टाइम टी था हमारे पास गिवन, तो मैंने इस टाइम इंटरवल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, जीरो से लेकर टी तक जब आपकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, और फिर टी से लेकर कैपिटल टी जो इंटरवल है टी माइनस टी जिसमें वेलोसिटी कम होती जा रही है। अब हम लोग अच्छा आप टी टी बार बार मैं टी टी बोलता रहूँगा तो कंफ्यूजन होगी, मैं एक्स ले लेता हूँ उसको, ये एक्स कर लेते हैं तो फिर ये टी माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज मैं बार बार टी टी दो बार कहूँगा तो कन्फ्यूज रहेगी कैपिटल टी की स्मॉल टी। तो पहला इंटरवल हो गया हमारे लिए एक्स सेकेंड का और दूसरा हो गया टी माइनस एक्स सेकेंड का। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं, पहले इस मोशन में हमें तो पूछाना बोलता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, जो वेलोसिटी है उसका इक्वेशन क्या होती है, यू प्लस ए टी होती है, ये नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फाइनल वेलोसिटी इस इंटरवल के लिए मैक्सिमम है, तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो, एक्सेलरेशन यहां से लेकर यहां तक, मैं इसको इसको मैं पी नाम देता हूं, ओ से लेकर पी तक का जो मेरे पास एक्सेलरेशन है वो मुझे कांस्टेंट कैपिटल ए दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है कांस्टेंट रेट एक्सेलरेशन, और टाइम कितना लेट किया मैंने, एक्स लेट किया तो ए एक्स, तो यानी कि यहाँ पर वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, ए एक्स आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब हमारे आंसर में ए बी और टी आना चाहिए, यानी कि ये एक्स नहीं आना चाहिए, तो आई हैव टू रिमूव दिस एक्स, तो उसके लिए मुझे अगले मोशन की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, सेम यही फॉर्मूला लगाऊंगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके वी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, जीरो हो गई, इस मोशन के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। यू इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है, वी मैक्सिमम, तो यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी मैक्सिमम। तो एक बात नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी थी वो दूसरे मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन गई, तो ये बात नोट करने वाली है। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो मुझे दी हुई है बी, और टाइम जो है, अब टाइम कितना है यहां से लेकर यहां तक का, टी माइनस एक्स दिया हुआ है, तो मैंने टाइम क्या लिख देना है, टी माइनस एक्स मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके वी मैक्सिमम इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा बी इंटू टी बी टी माइनस बी इंटू एक्स बी एक्स, हो गया हमारे पास। हमें क्या करना था, हमें एक्स रिमूव करना है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर देंगे, या फिर आप वहाँ से x कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर लो,
आपकी मर्जी है कौन सा इजी रहेगा, वहां से कैलकुलेट करके देख लेते। बी एक्स इधर आके प्लस का हो गया, तो बी टी प्लस बी मैक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बी टी प्लस बी मैक्स अपॉन बी। लो ये एक्स की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आ गई। अब ये वाली वैल्यू एक्स की यहाँ पर हम लोग पुट करके देख लेते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन, मुझे स्पेस की थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना, इधर कैलकुलेट, हाँ इधर से। तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एक्स की जगह पर बी टी प्लस वी मैक्स अपॉन बी। हमें निकालनी है वी मैक्सिमम, तो पहले बी को मल्टीप्लाई में ले चलो, ए की मल्टीप्लाई कर दो ए बी टी एंड ए बी मैक्स। लो हमने सिंपली तो मैथमेटिक्स कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई और ब्रैकेट ओपन किया। अब आप क्या करेंगे, जो वी मैक्स वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे इज इक्वल टू ए बी टी, और यहाँ से बी मैक्स क्या ले लोगे कॉमन, तो बी माइनस ए आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी टी। और बी मैक्स निकालने के लिए मैं इसको इधर इरेज कर देता हूँ ये जगह, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, उन्होंने समझा होगा, अब ये स्पेस बन गई। तो वी मैक्स निकालनी है मुझे, तो ए बी टी तो ऊपर आ रहा है और डिवाइड में बी माइनस ए लिख देंगे एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओ प्लस आ रहा है इनका, इधर मेरा माइनस आ गया, लेट मी चेक ये प्लस माइनस क्यों गड़बड़ हो गया मेरा, सॉल्यूशन देखना पड़ेगा प्लस माइनस की क्यों गड़बड़ हो गई है। बी माइनस ए बी यहाँ पे, चलिए मैं चेक करता हूँ एक बार कि प्लस माइनस की क्यों गड़बड़ हो रही है। ओके ये वाला जो मोशन था वो हमारा था नेगेटिव, एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव लेना था तो इसलिए यहाँ पर माइनस आना था। यस तो ये हो जाता माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन है ना तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो वो नेगेटिव में हम लोग लिखते ना, तो माइनस का बी टी ये प्लस का बी एक्स, तो ये सारा गड़बड़ कर दिया मैंने, ये माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का और फिर ये माइनस का हो गया, फिर ये भी माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का और ये, ठीक है अब सही है। यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पे तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कम होती जा रही है तो दैट इज़ वाई एक्सेलरेशन नेगेटिव है। हमें वैल्यू बी दी हुई है तो बी मतलब हम लोग उसको क्या करेंगे माइनस का बी लिखेंगे, तो इसीलिए वो हमारे पास आंसर में थोड़ा गड़बड़ हुआ। चलिए खैर आई थिंक लॉजिकली भी चलो सही हो गया ये, तो कि यू वेलोसिटी मैक्सिमम वो चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। अब अपन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज हमें फाइंड करना था डिस्टेंस ट्रैवल, तो डिस्टेंस ट्रैवल का वही रहेगा कि इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए तो डिस्टेंस का फॉर्मूला या फिर हाफ इंटू बेस, बेस है जीरो से लेकर टी तक का टी, और जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर एल्टीट्यूड जो है वो वी मैक्स है, और वी मैक्स हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी टी अपॉन ए प्लस बी।
बी प्लस ए को आप ए प्लस बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास बन गया ए बी टी स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी, दिस इज आंसर ए बी अपॉन ए प्लस बी, यस टी स्क्वेयर अपॉन, सही है। तो ये हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट होकर आ गया। तो यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल में करते हुए थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो आई जस्ट होप कि आप इस चीज़ को लॉजिकली समझ गए होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जब वेलोसिटी कम हो रही है तो हमारा एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव आता है, तो वो साइन तो हमें नेगेटिव का ही पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। सपोज करो किसी ने आपको दे दिया कि स्पीड कम हो रही है और उसमें एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो ऑटोमेटिकली है कि अगर कम हो रही है तो मुझे न्यूमेरिकल में यूज़ करते हुए माइनस का साइन यूज़ करना है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है 3 + 8t + 7t² के अकॉर्डिंगली, तो हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन t = 2 seconds पर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो x की इक्वेशन लिख लेते हैं, सबसे पहले बड़ी पावर लिख लो, फिर छोटी पावर और फिर कॉन्स्टेंट। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्ले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 7 कॉन्स्टेंट है एज इट इज लिख दो, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t होता है। 8 कॉन्स्टेंट है एज इट इज लिख दो, t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव 1 होगा। कभी भी अगर सेम आ जाए, पावर 1 है तो डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। ये अकेला है कॉन्स्टेंट, जब अकेला कॉन्स्टेंट होता है तो डेरिवेटिव उसका 0 बनता है। तो यानी कि dx/dt वेलोसिटी इज इक्वल टू 14t + 8 आ गया। ये हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन बन गई। अब हमें वेलोसिटी कहाँ पे कैलकुलेट करनी है, जब टाइम 2 सेकंड है। तो यानी कि मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूँगा जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है। तो सिंपली क्या करो, जहाँ पर आपको t दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप 2 पुट कर दो, सो यू विल गेट 28 + 8 36 मीटर पर सेकंड। तो 36 मीटर पर सेकंड आ गए, यानी कि जब टाइम 2 सेकंड होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो 36 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमारी जो वेलोसिटी इक्वेशन बनी है 14t + 8, इसे हम लोग अगेन डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। और वी कैन से अगर मैं एक्सेल डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव कर दूं तो आई विल गेट एक्सेलरेशन। तो 14 कांस्टेंट है और टी का डेरिवेटिव 1 होता है, 8 अकेला है, अकेले का डेरिवेटिव 0 है, सो आई एम गेटिंग 14। अब यहाँ पे देखिए टी आया ही नहीं, टी ने अपने आप को यहाँ पे शो ही नहीं किया, तो यानी कि यही हमारा आंसर आ जाएगा 14 m/s². ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी डन हो गई। जब 2 सेकंड होंगे तो वेलोसिटी होगी 36 m/s और जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 14 m/s². ओके, तो 5th न्यूमेरिकल है हमारे पास, टी टाइम है और एक्स डिस्टेंस है। तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन बनाया हुआ है इक्वेशन के थ्रू, टी इज इक्वल टू α(x²) + β(x). अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, हमें शो करना है कि जो रिटार्डेशन है मतलब एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो जाए तो उसकी वैल्यू 2α(v³) होगी, जहां पर v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं α(x²) + β(x). अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो मुझे डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो टी का टी से डेरिवेटिव करेंगे 1 होगा, अल्फा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो dx/dt भी लिखेंगे। बीटा क्या है, कांस्टेंट है,
और x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t dx बाय dt। हम लोग यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x नहीं हो रहा डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है। 1 का तो 1 लिखो, 2 अल्फा x dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी वी, जो इन्होंने आपको बताई भी हुई है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यहां पर भी आपका dx बाय dt वी यानी वेलोसिटी चला जाएगा, लेकिन मुझे तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन चाहिए, सो आई हैव टू अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो दोबारा से टाइम के विद रिस्पेक्ट इसको डेरिवेटिव कर देंगे। अब यहां पे देखिए, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, क्योंकि अकेला है, कांस्टेंट है तो 0 होगा। 2 अल्फा, ये तो कांस्टेंट है, इनको तो एज इट इज रहने दो। एक्स एक्स इंटू वी, तो जब मेरे पास एक्स इंटू वी आ गए, दो वेरिएबल्स आ गए, तो मुझे यहाँ पे लगाना है प्रोडक्ट रूल। एक्स आप एज इट इज रखो, वेलोसिटी का डेरिवेटिव यानी कि dv बाय dt प्लस v कांस्टेंट रख लो, x का डेरिवेटिव dx बाय dt, ये हो गया हमारे पास। आफ्टर दैट प्लस b, v का dv बाय dt, ये लो। तो हमने क्या किया, दोबारा से वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया। 2 अल्फा तो कांस्टेंट है और x इंटू वी, दो वेरिएबल्स आ गए तो इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। बीटा सेम टू सेम रखेंगे, कांस्टेंट है, और बी का dv बाय dt डेरिवेटिव कर देंगे। उसके बाद 0 एज इट इज लिख दो, 2 अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यू नो एक्सेलरेशन होती है, तो a लिख देंगे, v को v लिखो, dx by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होगी, तो ये भी v बन जाएगा, और dv by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन a बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बन रहा है यहाँ पर, 2 अल्फा ax प्लस v स्क्वायर प्लस a बीटा, ये मेरे पास बन गया। मुझे चाहिए 2ab³, यानी कि मुझे यहाँ पर x की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे x एलिमिनेट करना है यहाँ से। तो अगर मुझे x एलिमिनेट करना है तो फिर क्या यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पर लेट मी चेक, तो हमें क्या करना है, यहां से x की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके यहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू निकलेगी हमारी यहां से, लेट मी चेक इट, 1 माइनस ए बीटा वी, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 2 अल्फा वी ये आ जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट में सिर्फ अल्फा चाहिए और बी चाहिए, बीटा भी नहीं चाहिए और एक्स भी नहीं चाहिए, तो हमने एक्स के लिए कर दिया है, तो आई होप कि ऑटोमेटिकली जो बीटा भी है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए पुट करके देखते हैं वैल्यू को, 2 इंटू अल्फा ए एक्स, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 1 माइनस बीटा बी अपॉन 2 अल्फा बी, फिर बी स्क्वायर एंड अल्फा बीटा, ये कुछ। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर बनता है या नहीं बनता। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ये वाला पार्ट, तो क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं, कैलकुलेशन पे डिपेंड है कहानी हमारी। लेट अस सी 2 अल्फा, तो सबसे पहले तो इसी को सॉल्व करते हैं, ए को 1 से करेंगे ए आ जाएगा, ए को बीटा बी से करेंगे ए बीटा बी, और डिवाइड में 2 अल्फा बी प्लस बी स्क्वायर एंड अल्फा बीटा। ओके, 2 इज इक्वल टू
आपको 2 अल्फा तो एज इट इज ही लिख देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो ए माइनस ए बीटा वी प्लस 2 अल्फा, वी को वी स्क्वायर से करेंगे वी क्यूब, हमने इसका क्या कर दिया है एलसीएम टेक ओवर कर लिया है, डिवाइडेड बाय 2 अल्फा वी प्लस अल्फा बीटा। 2 अल्फा से 2 अल्फा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड है कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या बचा 0 इज इक्वल टू ए माइनस ए बीटा बी प्लस 2 अल्फा बी क्यूब अपॉन बी प्लस अल्फा बीटा। लो अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगेन एलसीएम ले लेंगे, हम लोग दोबारा फिर से क्या ले लेंगे एलसीएम, तो ए माइनस ए बीटा बी प्लस 2 अल्फा बी क्यूब प्लस अल्फा बीटा बी। लो जी हमने क्या किया यहाँ पर एलसीएम ले लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी। अब आप क्लियरली देखो ये वाली जो टर्म है वो एक सेकेंड यहाँ पर अल्फा बीटा सॉरी यहाँ पर ए है, सॉरी अल्फा नहीं है यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया, चलो ए है वो, तो जब आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास ए आ रहा था, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन और अल्फा एक कांस्टेंट है, सो ए बीटा बी जो है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, सो यू आर गेटिंग 0 इज इक्वल टू ए प्लस 2 अल्फा वी क्यूब अपॉन वी, ये आ गया, क्रॉस कर दोगे वी इंटू 0 0 हो जाएगा, सो आई विल गेट ए प्लस 2 अल्फा वी क्यूब इज इक्वल टू 0, क्लियर। नाउ ए इज इक्वल टू माइनस का 2 अल्फा वी क्यूब, तो आप यहाँ से क्लियर कट देख सकते हो मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू में नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, तो वही हमने प्रूव करना था, क्वेश्चन ही रेज हो गया कि अल्फा या जो सॉरी जो एक्सेलरेशन है जो रिटार्डेशन है इट शुड बी 2 अल्फा वी क्यूब, और ये हमारा डन हो गया, तो इस तरीके से ये प्रूव करना था, तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी, लेकिन x की वैल्यू यहाँ से निकाल कर मल्टीप्लीकेशन करके कैंसिल ऑप्शन होके हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को एज अ प्रैक्टिस करवाए हैं, आई जस्ट होप कि आपको इनसे कुछ बेनिफिट होगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।